हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास टेंथ में जो आपका चैप्टर चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक, आज वहां से हम कंपाउंड पढ़ेंगे। और आपका कार्बनिक कंपाउंड्स, यहां पर पहला कंपाउंड है, दो ही कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं, एथिल एल्कोहल और दूसरा एस्टिक एसिड। और इसके बाद आपको साबुन और सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर आपका संपन्न हो जाएगा। संपन्न क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं पहले कंपाउंड को, देखते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल देखते हैं, आइए देखते हैं एथिल एल्कोहल, ये इसका क्या नाम है, कॉमन नेम है इसका, साधारण नाम क्या मैंने आपको बताया था, एथिल एल्कोहल। और इसी का आईपीएसी नेम ये क्या है, IUPAC नेम इसका है एथेनॉल, जिसमें आप ऑल लगाते थे, है ना, एथेनॉल हो गया आईपीएसी नाम। या इसी को हम कहते हैं ग्रेन एल्कोहल, कहते हैं इसको, इसको ग्रेन एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ग्रेन मींस होता क्या है, ग्रेन मींस होता है अनाज होता है, तो अनाजों से इसको एल्कोहल को बनाया जाता है। एथिल एल्कोहल को ज़्यादातर अनाजों से बनाया जाता है, जैसे गेहूं है, जौ है, मक्का है, है ना, चावल है, आलू है, इन सब से जो है बनाया जाता है, इसलिए जो है इसको ग्रेन एल्कोहल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। एथिल एल्कोहल ये जो है एल्कोहल समूह का आपका दूसरा मेंबर्स है, दूसरा कंपाउंड है ये। पहला कंपाउंड आपका मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल जिसको आप कहते हैं, मेथेनॉल कहते हैं आप जिसको, यानी कि CH3OH, ये मेथेनॉल पहला कंपाउंड है। और दूसरा मेंबर आपका क्या है, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का जो फार्मूला है C2S5OH है। अगर अणुसूत्र की बात हम करें तो C2S6O होगा, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, अणुसूत्र होगा और इसका संरचना सूत्र। और इसके संरचना सूत्र को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आपको कई तरीके से बताया गया कैसे आप जो है संरचना सूत्र को लिखते हैं। तो ये आपके एथिल एल्कोहल हो गए। तो ये दूसरा मेंबर्स है एल्कोहल समूह का। आइए देखते हैं प्रिपरेशन, कैसे हम एल्कोहल को जो है बनाते हैं, एथिल एल्कोहल जो आपका। अच्छा, ये कहा जाए केवल एल्कोहल कहा जाए तो केवल एल्कोहल से मतलब आप लगाइएगा एथिल एल्कोहल, यानी कि अन्य एल्कोहल से मतलब हमें नहीं है, मेथिल है, प्रोपिल है, इनसे मतलब नहीं है। अगर केवल केवल एल्कोहल कहा जाता है तो उसका तात्पर्य सीधा सीधा यही होता है, एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल से मतलब है। देखिए, आप प्रिपरेशन आपके कोर्स में है नहीं, फिर भी एक रिएक्शन हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा मोलसेस के बारे में जिक्र है तो उसी से हम आपको बनाकर यहाँ बता रहे हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, अगर एल्कोहल देखिए मैंने यहाँ लिखा, इस एल्कोहल का मतलब सब एल्कोहल नहीं, केवल एथिल एल्कोहल से मतलब है, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब एथिल एल्कोहल, मेथेनॉल से तात्पर्य होता है। तो फ्रॉम मोलसेस, मोलसेस मीन्स होता है सीरे से, तो सीरे से एथिल एल्कोहल का निर्माण हम कैसे करते हैं, मोलसेस से। तो सीरा क्या होता है, देखिए गन्ने के रस से जो रस आपका मिलता है, गन्ने के रस से, गन्ने से बनाया जाता है, गन्ने की पिराई करके जो रस निकलता है उसी से बनाया जाता है आपका चीनी, चीनी जो है गन्ने से बनाया जाता है। तो गन्ने के रस से चीनी प्राप्त करने के बाद जो भी गाढ़े रंग का, गाढ़े काले भूरे रंग का जो द्रव शेष बचता है उसी को हम कहते हैं मोलसेस कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलसेस कहते हैं, उसको हम सीरा कहते हैं। और इस सीरे में जो है लगभग 20-30% क्या होता है, शर्करा इसमें पाई जाती है, इसके अलावा उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी कुछ मात्रा में होते हैं। तो इनमें क्या करते हैं, ईस्ट को मिलाकर इसका किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, किण्वन, फर्मेंटेशन किया जाता है इसका, यानी कि किण्वन, किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, क्या मिलाकर किया जाता है, ईस्ट मिलाकर किया जाता है। और बड़े बड़े टैंक होते हैं, उसी टैंकों में भर दिया जाता है इनको, भरने पर कई मतलब महीनों तक ऐसे इसको जो है रखा जाता है, फिर उसमें क्रियाएं होती हैं तो उसमें एल्कोहल बनता है। वो कौन कौन सी क्रिया है, केवल हम इस क्रिया को देख लेते हैं, ज़्यादा इस पर हम नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देखिए। जैसे आपका मोलसेस में आपका क्या होगा, ये सुक्रोज होगा, आपका ये सुक्रोज
चीनी की कुछ मात्रा उसमें होगी, हमने बताया 20-25% होता है उसमें। तो ये जो है जल, उसके साथ जल मिलाकर सीरे को तनु कर दिया जाता है और उसमें इस पानी भरकर उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है। उसकी डाइल्यूशन लगभग 10% तक कर ली जाती है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, वरना उसमें जो किण्व जीव होते हैं वो ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो देखिए उसमें ईस्ट मिला देते हैं, उसका पीएच मान उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर मेंटेन कर लेते हैं, कई दिनों के लिए इसको रख देते हैं, महीनों के लिए। फिर इसको जो है देखिए उसमें एक किण्वन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो किण्वन प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है इसमें, ये क्या होता है इसमें, देखिए क्या होता है, ये आपका जो मोलसेज होता है जिसमें शर्करा होती है, या शर्करा इसमें होती है सुक्रोज शर्करा, ये जल के साथ अपघटित होकर इन्वर्टेज एंजाइम होता है और ईस्ट मिला गया, उसी ईस्ट से इन्वर्टेज एंजाइम मिलता है। ये इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज और क्या बना लेता है, फ्रक्टोज बना लेता है। अब यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये आपका जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, फार्मूला याद ही होगा आपका, ग्लूकोज फ्रक्टोज का याद कर लीजिएगा फार्मूला, C12H2O11 और ये C6H12O6। दोनों के फार्मूले सेम है बट इनके संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फिर जाइमेट एंजाइम जो कि ईस्ट में होता है, ये इसको एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। कार्बन डाइ चूंकि गैस होती है तो गैस बाहर निकल जाती है, और एथिल एल्कोहल क्या होती है, ये जो है आपका शेष बचा रहता है, जो यहाँ एल्कोहल आपका भी बनता है उस टैंक में, उसको हम कहते हैं वास या वार्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसमें 10-12% क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है, ठीक है, 10-12% तक एथिल एल्कोहल होता है। अब जो इसको वास कहा जाता है जो यहाँ मिलता है टैंक में, अब इसका क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशन, शोधन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन जो है कई विधियों द्वारा इसका किया जाता है। जब शोधन करते हैं तब जाके आपका 100% क्या होता है, एथेनॉल यानी कि एथिल एल्कोहल जो है प्राप्त होता है। तो ये सारी प्रक्रिया आगे की आपको नहीं करनी है, बस इतना हमने आपको बता दिया। ये जो है इस तरीके से एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो आप अगर रिएक्शन याद करना चाहते तो याद कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते तो बहुत बहुत जबरदस्ती नहीं है यहाँ पर। अब आइए देखिए हम एथिल एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल एल्कोहल यानी कि एथेनॉल का, इसके भौतिक गुण क्या है एथिल एल्कोहल के। तो पहला भौतिक गुण इसका है एथिल एल्कोहल का, जो पहला है, एथेनॉल इज ए कलरलेस, एथिल एल्कोहल क्या होता है, रंगहीन होता है, वोलाटाइल होता है यानी कि ये वाष्पशील होता है, वाष्पशील लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड, वाष्पशील द्रव होता है, और हैविंग प्रेजेंट स्मेल, और इसमें क्या होता है, इसमें जो गंध होती है इसकी सुगंधित गंध होती है, और बर्निंग टेस्ट एंड बर्निंग टेस्ट होती है यानी कि ये गले को जलाने वाली इसकी टेस्ट होती है, ठीक है। तो एथिल एल्कोहल क्या है, एथिल एल्कोहल इज कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड हैविंग प्रेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, यानी कि एथिल एल्कोहल रंगहीन वाष्पशील द्रव है, और उसमें क्या होता है, सुगंधित गंध उसमें होती है, सुगंधित होता है ये, और इसकी टेस्ट जो होती है गले को जलाने वाली होती है। दूसरा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज 78 डिग्री सेल्सियस, तो 78 डिग्री सेल्सियस एथिल एल्कोहल का जो है क्वथनांक होता है। तीसरा है, एथिल एल्कोहल इज ए मिसबिल विद वाटर इन ऑल प्रपोजल्स, यानी कि एथिल एल्कोहल पानी में सभी अनुपात में क्या होता है, विलेय होता है। चौथा पॉइंट देते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट को हम कहते हैं परिशोधित जो है स्प्रिट के नाम से इसको हम जानते हैं, परिशोधित एल्कोहल यानी कि स्प्रिट के नाम से भी इसको हम जानते हैं, और इसको कॉमर्शियल एल्कोहल या इंडस्ट्रियल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट को और किस नाम से जाना जाता है, नोट करेंगे अपने कॉपी में, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एल्कोहल भी कहते हैं, यानी कि व्यावसायिक एल्कोहल और कॉमर्शियल एल्कोहल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो लिखा है, इट इज द कॉमर्शियल एल्कोहल एंड कॉन्टेन 95% एथिल एल्कोहल एंड 5% वाटर। तो ये भी आपको याद रहे कि परिशोधित स्प्रिट जो कॉमर्शियल एल्कोहल है, इंडस्ट्रियल एल्कोहल है, क्योंकि इसका सबसे बहुत ज़्यादा जो है यूज किया जाता है, ये जो है इसमें एल्कोहल कितना होता है, 95% एल्कोहल होता है और 5% क्या होता है, वाटर होता है। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट में 95% एल्कोहल और 5% क्या होता है, वाटर इसमें पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट, परिशोधित स्प्रिट के नाम से इसको हम जानते हैं।
पांचवा आपका है एब्सोल्यूट अल्कोहल, जिसको हम कहते हैं परिशुद्ध परिशुद्ध अल्कोहल के नाम से इसको जानते हैं। तो 100% प्योर एथिल अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, जो 100% का होता है, यानी कि इसमें कोई कुछ भी मिक्सचर नहीं होता, शुद्ध शुद्ध अल्कोहल होता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एथेनॉल इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, एथेनॉल जो होता है एक न्यूट्रल कंपाउंड है, उदासीन होता है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, तो ये लिटमस पेपर के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है, लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगर पूछा जाए क्यों, क्योंकि ये एच पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं, ठीक है, एल्कोहल एल्कोहल जो होते हैं ये डज नॉट gives H positive ion, तो ethyl alcohol जो होते हैं H positive ion नहीं देते हैं, क्योंकि litmus paper को turn करने के लिए क्या होना चाहिए, H positive ion का होना आवश्यक है, ठीक है। Next देखते हैं ethanol यानी कि ethyl alcohol is a highly inflammable liquid, मतलब inflammable liquid है, ethyl alcohol क्या है, बहुत तेजी से क्या होती, बहुत तेजी से जलने वाला द्रव होता है ये, एंड कैसेस फायर रेडियली, और ये बहुत तेजी से क्या होता है, आग को पकड़ लेता है। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ देखिए, हमने कहा कि एथिल अल्कोहल इज मिक्स्ड विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ये सभी अनुपात में क्या होता है, जल में विलय होता है। क्यों जल में विलय होता है, क्योंकि अल्कोहल में जो OH समूह होता है, और जल में भी क्या होता है अगर देखें तो OH समूह होता है। अगर आप देखें जल में भी, जल को ऐसे या संरचना में लिखते हैं ना OH, तो जल में भी OH समूह है, आपके एथिल अल्कोहल में भी क्या है, OH समूह है, तो OH समूह ये मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। अभी आप केवल जान लीजिए नाम, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए क्या होता है इसमें घुल जाता है, तो जो भी हाइड्रोजन बंध बनाते हैं जल में जाने के बाद वो क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, इसी वजह से चीनी भी घुल जाती है, हाइड्रोजन बंध बना लेती है, चीनी भी आपकी घुलती है, ठीक है। तो जिसमें OH होता है, क्योंकि चीनी में भी OH होता है, ग्लूकोज में भी OH होता है, इसलिए ये सब क्या होते हैं, पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ये तो बड़े आसानी से, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको बढ़िया से आप नोट्स करें। फिर हम देखते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए आइए केमिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, चलिए एथिल अल्कोहल यानी कि एथिनॉल के रासायनिक रूप, पहला क्या है ऑक्सीडेशन, पहला क्या है ऑक्सीडेशन, बस ये रिएक्शन को, इसमें रिएक्शन है, आप ये रिएक्शन याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब पहले नहीं, और पहले हम देख लेते हैं कंबस्शन, देख लेते हैं दहन, कंबस्शन यानी कि दहन को हम पहले देखते हैं। तो एथिल अल्कोहल जो होता है, जो आपका एथिल अल्कोहल है C2H5OH है, इसको आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, जलाएंगे, तो ये नीली ज्वाला के साथ जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है ये, कैसे ब्लू, तो एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड जल हीट और लाइट उत्पन्न करती है ये, इसमें तो एथिल अल्कोहल में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा और प्लस हीट और प्लस लाइट, ये चीजें जो है बनेंगी। जरा देखिए यार कार्बन दो है तो ये दो यहाँ हो जाएगा, अब हाइड्रोजन इसमें आपके छह है तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन चार हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, तो ऑक्सीजन ये आपके जो है चार चार हो गए हैं, तो ये आप जो है इसको, यहाँ ऑक्सीजन देखिए सात है टोटल, यहाँ देखिए इसको आप कर लीजिए, यहाँ तीन कर लीजिए बैलेंस करने के लिए, अब यहाँ सात ऑक्सीजन, इसमें भी सात ऑक्सीजन, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये चीज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है।
ठीक है। तो ये रिएक्शन आप करेंगे तो एथिल एल्कोहल का दहन करने पर क्या होता है, ब्लू फ्लेम मिलता है, जलने पर कौन से है, ब्लू फ्लेम के साथ जो है ये जलता है, नीली ज्वाला के साथ ही जो है जलता है, बहुत तेजी से आगे पकड़ता है एल्कोहल। ठीक, तो पहला आपने देख लिया दहन, इसको आप नोट करें, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब एयर, जो आपका ऑक्सीजन है एयर में उसी के साथ ही पकड़कर जलता है। तो ये आपका एथिल एल्कोहल, ये दहन, दहन का रिएक्शन जो है आप इसको याद रखेंगे। चलिए दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, ये कंबस्चन आपका हो गया, दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम देखते हैं, दूसरा ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। अच्छा देखिए ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन अनियंत्रित तक क्या होती है, एक बार एक पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, लेकिन ऑक्सीडेशन जो होती है कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, ये नियंत्रित प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल देखिए, जो आपका एथिल एल्कोहल होगा, एक रिएक्शन इसको हम बता चुके हैं आपको पहले ही, एथिल एल्कोहल का ये नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, यहाँ डबल नवजात ऑक्सीजन आपका लगेगा और क्या होगा, एसिडिक जो है, एसिडिक यानी कि अम्लीय आपका K2Cr2O7+ जो है H2SO4 की उपस्थिति, या फिर आप लगा सकते हैं KMnO4 और प्लस KOH क्षारीय माध्यम यानी कि बेसिक मीडियम में, है ना, चाहे एसिडिक मीडियम में चाहे बेसिक मीडियम आप लिखिए यहाँ पर, तो इसकी उपस्थिति में जो है आपका ये रिएक्शन होता है। तो एथिल एल्कोहल किसमें बदल जाता है, ये आपका बदल जाता है। अच्छा मैंने दो स्टेप में बना था, आप एक स्टेप में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर ये एसिटिक एसिड बनता है CH3COOH, एसिटिक एसिड और प्लस क्या बनता है आपका, जल बनता है। तो ये एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड आपका बनता है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज होगा आपका। तो इसको आप शॉर्टकट में क्या करेंगे, याद कर लेंगे इस तरीके से। ठीक, अगला देखते हैं, रिएक्शन विद सोडियम मेटल्स, तीसरा रिएक्शन विद सोडियम और पोटेशियम मेटल्स, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम धातु के साथ क्रिया। तो ये देखिए एथिल एल्कोहल जो होता है ये आपका सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करता है। देखो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये हाइड्रोजन गैस इस हाइड्रोजन को निकाल देता है, H2 निकलता है, जब H2 ये निकलता है तो यहाँ आप दो लीजिए और सोडियम को दो लीजिए और दोनों सोडियम इस दोनों हाइड्रोजन को हटा, चूंकि दो हाइड्रोजन अब इसमें होगा, दोनों हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका C2H5ONa बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस ये प्रोड्यूस होगी इसमें से, चूंकि अब डबल है तो आप इसको डबल ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये बन गया सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड इसको कहते हैं। अगर इस पोटेशियम से आप कराते हैं ठीक है, ऐसे रिएक्शन होगा C2H5OH और प्लस 2K हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा C2S5OOK बन जाएगा, दो और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो ये बन जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम एथॉक्साइड, पोटेशियम एथॉक्साइड जो है बन जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये सब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बढ़िया से आप तैयार करेंगे, कुछ नहीं करना है, इस सोडियम को इस हाइड्रोजन के स्थान पर ले जाना है और इस H2 को H2 के फॉर्म में इस दोनों हाइड्रोजन को निकाल देना है यहाँ से, ठीक है, बस यही चीज करना है, ये वाला चीज यहाँ चला जाएगा हाइड्रोजन के स्थान पर, ये वाला हाइड्रोजन के स्थान पर चला जाएगा, बस इसको हाइड्रोजन के इसको दोनों को निकालिए H2 बन जाएगा और इसको दोनों के यहाँ पर लगा कर दिए, आगे दो लगा ही है, आगे से दो हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका नाम सोडियम एथॉक्साइड है, इसको आप नोट करें जल्दी से रिएक्शन।
अगला रिएक्शन हम देखते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखते हैं, चौथा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब इसको हम कहते हैं निर्जलीकरण, निर्जलीकरण अभिक्रिया, यानी कि इसमें से क्या होता है H2O माइनस H2O निकलता है। जब H2O निकलता है माइनस H2O इसमें से निकलता है इस अभिक्रिया में, तो एथिल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जो आपका CH3CH2OH है इसमें से क्या होता है ये डिहाइड्रेशन में ये 170 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होता है, वो भी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तो ये क्या बनता है एथिलीन बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस जल का अणु निकल जाता है, तो ये बन गया एथिलीन, यानी कि एथीन जिसे आप कहते हैं एथीन कहते हैं, ये बन गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये निर्जलीकरण अभिक्रिया है। यही बच्चों अगर 170 के स्थान पर 140 दे दें CH2OH और इसका दो अणु यूज हो, इसका दो अणु, अच्छा इस एथिल अल्कोहल को HOC2H5 इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ऐसे एथिल अल्कोहल ये भी एथिल अल्कोहल इस तरीके से, तो यहाँ से क्या होता है ये H2O निकल जाता है इस तरीके से। हाँ लेकिन ये बच्चों 140 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होता है और सांद्र H2SO4, अंतर दोनों में क्या है 170 पर होता है 140 पर होता है, लेकिन इसमें बनता क्या आपका बनता क्या है, क्योंकि अच्छा चलो इसको हम इस तरीके से कर देते हैं C2H5 इस तरीके से लिख सकते हैं C2H5 इस तरीके से लिखें, तो ये बनेगा आपका C2H5, क्योंकि ये जल निकल जाएगा तो ये इसी ऑक्सीजन से आकर जुड़ जाएगा, तो O और ये C2H5, तो यहाँ और प्लस H2O, देखिए ये भी निर्जलीकरण की अभिक्रिया है। तो ये क्या बन गया डाई एथिल ईथर, इसका नाम है डाई एथिल ईथर बनता है। तो ये अभिक्रिया आप जो है नोट करेंगे, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब चल रहे हैं, इस रिएक्शन को आपको याद करना है बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शन तो है नहीं, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन होते हैं। पांचवा देखते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन अभिक्रिया, यानी कि एस्टेरीकरण अभिक्रिया, एस्टेरीकरण अभिक्रिया किताबों में रिएक्शन विद एथिल एल्कोहल एथेनोइक एसिड से कर सकते हैं, एथेनोइक एसिड से अभिक्रिया कर सकते हैं, और इसमें बनता है चूंकि एस्टर कंपाउंड, तो इसमें क्या होता है एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया जो एस्टिक एसिड होता है एस्टिक एसिड के साथ कराई जाती है इसकी अभिक्रिया, या इसी को कह सकते हैं रिएक्शन को रिएक्शन विद एस्टिक एसिड, किसके साथ एस्टिक एसिड के साथ अभिक्रिया किसकी एथिल एल्कोहल की, तो एस्टिक एसिड है और ये एथिल एल्कोहल है वो इधर कर लीजिए और ये C2H5 आप इधर कर लीजिए ऐसे, ठीक एस्टेरीकरण अभिक्रिया, और ये डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया जो है ये होती है सॉरी कंसंट्रेट होता है, ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से देखिए H निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, ये जल निकल जाएगा यहाँ से, और ये बचा आपका क्या CH3COOH, देखिए ऐसे लिख दिया और ये बचा है ये निकल गया है इतना, तो यहाँ आपका क्या है C2H5 और प्लस H2O, क्योंकि यहाँ एस्टर कंपाउंड बना, ये एस्टर कंपाउंड है एस्टर ग्रुप है ये, तो एस्टर कंपाउंड है ये बना यहाँ, इसलिए इसको एस्टेरिफिकेशन अभिक्रिया कहा जाता है, तो इसका नाम है एथिल एसीटेट, इसका नाम है
एथिल एसीटेट इसको हम कहते हैं। तो एस्टेरिफिकेशन अभिक्रिया क्या है, जब मतलब किसी मतलब एसिटिक एसिड को और अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर कंपाउंड बनता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इसी को हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें एस्टर कंपाउंड बनता है, एथिल एसीटेट बनता है, इसी को कहते हैं एस्टेरिफिकेशन अभिक्रिया कहते हैं, तो इसको आप नोट करेंगे। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने रिएक्शन इसमें सब इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक में और कहीं रिएक्शन नहीं है, यही रिएक्शन है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद करेंगे बढ़िया से। हैलोफॉर्म रिएक्शन एक और देखते हैं, छठवां हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म क्रिया, तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या बनता है, इसमें तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल जो होता है, एथिल अल्कोहल आयोडीन यानी कि हैलोजन से अभिक्रिया करता है, आयोडीन से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन सब, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन सब से जो है ये अभिक्रिया करता है। हाँ तो आइए देखते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया में हम आपको क्या बता रहे थे, तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया में आपका एथिल अल्कोहल है, आयोडीन होता है और क्षार NaOH, NaOH ये रिएक्शन होगा, इसका कितनी मात्रा में आपको लेना है 146 सब याद कर लीजिए, ये एक अणु होगा, ये जो है आपका चार अणु होगा, ये आपका छह अणु होगा, इस तरीके से याद करेंगे। और इसमें बनता क्या है, हैलोफॉर्म यानी कि हैलोफॉर्म में क्या आते हैं, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म ये आते हैं, तो इसमें अभिक्रिया हैलोफॉर्म में किससे रिएक्शन कराई जाती है, आपका क्लोरीन से आयोडीन से ब्रोमीन से इन सब से अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहाँ आपका बनता क्या है, तो आयोडीन लिया गया है, यहाँ आयोडीन लिया गया है और एथिल अल्कोहल लिया गया, तो यहाँ आयोडोफॉर्म बनेगा, आयोडोफॉर्म CH3 बनेगा, ये चीज यहां पर बनेगा, और प्लस आपका क्या बनेगा, यहाँ 5NaI बनेगा और प्लस आपका 5H2O बनेगा और प्लस एक HCOONa बनेगा, यानी कि सोडियम फॉर्मेट कहते हैं, सोडियम फॉर्मेट, ये सोडियम आयोडाइड ये जल, और इसको हम कहते हैं आयोडो फॉर्म, इसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म, तो ये नोट करेंगे। इसलिए क्लोरोफॉर्म बना सकते हो CH3CH2OH प्लस यहाँ पर 4Cl2 आप ले लीजिए, यहाँ 6NaOH आप ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, यहाँ CHCl3 बन जाएगा, यहाँ प्लस 5NaCl बन जाएगा, प्लस 5H2O बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा आपका HCOONa बन जाएगा, तो ये आपका जो यहाँ बना प्लस HCOONa सोडियम फॉर्मेट, वही चीज ये है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म वही है जिसका उपयोग बेहोश करने में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं, रिएक्शन विथ क्लोरीन, सातवां क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरीन के साथ एथिल अल्कोहल CH3CH2OH क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, ये तो ऑक्सीकरण कर देता है, क्लोरीन इसका ऑक्सीकरण कर देता है, तो क्या बन जाता है यहाँ पर CH3CHO एल्डिहाइड बन जाता है और 2HCl बन जाता है, तो ये बन जाता है आपका
यहां पर एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बन जाए, जिसको आप एथेनल कहते हैं, एथेनल जिसको आप कहते हैं, ये चीज बना। और फिर इसी एथेनल का फिर CH3CHO, फिर इसका क्लोरीनीकरण हो जाता है। ये देखिए ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और फिर क्लोरीन इससे अभिक्रिया करती है तो इसका क्लोरीनीकरण हो जाता है। ये तीनों हाइड्रोजन इसके हट जाते हैं, तो यहाँ तीन हाइड्रोजन या तीन Cl आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये आपको तीन लेना पड़ेगा। तो यहाँ बन जाएगा CCl3CHO बन जाएगा और प्लस 3HCl, इसको कहते हैं क्लोरीनीकरण क्रिया, इसको कहते हैं क्लोरीनेशन, इसको कहते हैं क्लोरीनेशन क्रिया, क्लोरीनीकरण क्रिया कहते हैं। और ये क्या बन गया, ट्राईक्लोरोएस्टेरल्डिहाइड, यानी कि इसको कहते हैं क्लोरल, क्लोरल कहते हैं इसको। एक रिएक्शन और देखेंगे हम, आठवां रिएक्शन हम देखेंगे, एक डिहाइड्रोजिनेशन अभिक्रिया देखेंगे, जिसको हम कहते हैं वी हाइड्रोजनीकरण। अच्छा, इसमें अब क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन निकलता है, क्या निकलता है, हाइड्रोजन। तो वह यौगिक, यानी कि जब एल्कोहल में से H2 निकले तो इसको हम कहते हैं वी हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। अब इसमें क्या है, एथिल एल्कोहल जो आपका होता है, ये एथिल एल्कोहल यहाँ कापर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो बन जाता है आपका एस्टेल्डिहाइड CH3CHO और प्लस H2A, जैसे ये बना है यहाँ पर, तो ये एस्टेल्डिहाइड बन जाता है, एसीटाल्डिहाइड। ठीक, तो ये रहे रिएक्शन, इसको आप नोट करेंगे। तो यहाँ तक आप इस रिएक्शन को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, बढ़िया से इस रिएक्शन को रटेंगे, याद करेंगे, कुछ करना नहीं है इसमें। इसमें से यहाँ CHO बन गया, 2HCl निकल गया और यहाँ क्लोरीन निकला, ये तीनों हाइड्रोजन निकला, तीन क्लोरीन जुड़ा और तीन HCl बाहर हो गया। और यहाँ पर आपका ये कापर की उपस्थिति में हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकलने पर क्या बचता है, CH3CHO बचता है, ये बन गया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके NCERT में रिएक्शन दिए हुए हैं। वैसे ये वाले रिएक्शन NCERT में नहीं दिए हैं, लेकिन इसके बाद के सारे रिएक्शन NCERT में आपके दिए हुए हैं। ये थोड़ा सा तीन रिएक्शन आपको एक्स्ट्रा हमने आपको बताया, तो इस तरीके से रिएक्शन को बढ़िया से आप तैयार करें, कई बार लिखें, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा रिएक्शन ऑर्गेनिक में नहीं है, यही इसी चैप्टर इसी दो कंपाउंड में एस्टिक एसिड में रिएक्शन है, तो ढेर सारे जो आपके रिएक्शन पूछे जाएंगे ऑर्गेनिक से यहीं से ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं इस पर तो आपको अच्छे नंबर यहां से मिल सकते हैं। तो ठीक, नेक्स्ट वीडियो हम आपको ये सामने लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अब यहां पर हम आपको एल्कोहल के यूज और एल्कोहल के इफेक्ट जो है आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।